हेलो फ्रेंड्स वेलकम है कैसे हैं आप सब होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एक्चुअली ये प्रीवियस वीडियो का ही सेकंड पार्ट है तीन पार्ट्स हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे तीन पार्ट्स रह गए थे तीन पाइल दैट मीन्स जिन्होंने पाइल नंबर थ्री फो फोर फाइव सिक्स चूज़ किया था दैट मीन्स हार्ट लेटर और बर्ड्स ये रीडिंग है उनके लिए इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्रिसमस पे सेंटर आपके लिए क्या गुड विशेज क्या गुड न्यूज एंड 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 क्या गिफ्ट लेकर आने वाला है तो ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी ऑब्वियसली नेक्स्ट क्रिसमस तक आप इसको देख सकते हैं ये रीडिंग जनरल है जितनी रिजनेट करें उसको पिक करें एंड लिव द रेस्ट एंड स्टक ना हो किसी भी चीज़ पर ओपन और ब्रॉड माइंड से रीडिंग को देखें डेफिनेटली तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर हैलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर जिन्होंने पाइल नंबर फोर चूज़ किया था ट्वेंटी तो फोर आपके लिए डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है सिक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है फिफ्टीन इम्पॉर्टेंट हो सकती है एंड हार्ट हार्ट इज एम्पलाइंग यू गाइस आर वेरी वेरी सेंसेटिव वेरी इमोशनल वेरी जस्ट लाइक कहते हैं ना कि प्यार भरा दिल लेके कोई घूमता है तो आपका दिल बहुत प्यार भरा है आप हर एक पे प्यार लुटाते हो हर एक से प्यार करते हो खुदा की कैसी भी कुदरत हो कैसी भी क्रिएचर हो आप सबसे बाय हार्ट और दिल से प्यार करते हो आप किसी की इंसल्ट नहीं करते किसी को आ, हर्ट नहीं करते आप हमेशा हर एक की फीलिंग्स की कदर करते हो तो हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं और मे भी कि आप में से बहुत सारे लोग लव मैटर्स के लिए ये रीडिंग देख रहे होंगे कि ये क्रिसमस आपके लिए क्या लेकर आने वाला है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो डेफिनेटली जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी ये जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली जितनी मैच करें उसको रखें एंड लीव द रेस्ट एंड किसी भी चीज पे स्टक ना हो तो फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉरी रॉड्स एरिज लियोस आज आप लोग हो सकते हैं द चार आप लोगों के पास ब्लैक या वाइट कलर का कोई व्हीकल हो सकता है आप आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है आप लोग किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन के वेट कर रहे हो या फिर किसी के एक्शन का वेट कर रहे हो या फिर खुद कोई एक्शन लेना चाह रहे हो ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्रिसमस पे अगर आप किसी के टेक्स्ट का किसी के मैसेज का किसी के कम्युनिकेशन का या फिर कोई ट्रैवल बहुत टाइम से प्री प्लान चल रहा है लेकिन फिक्स ही नहीं हो पा रहा वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्रिसमस आपको ये गिफ्ट लेकर दे लाकर देने वाला है इस बार सेंटा आपको कम्युनिकेशन दे रहा है न्यू ऑफर्स दे रहा है ट्रैवल दे रहा है एक्शन दे रहा है अगर किसी एक्शन को आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर किसी के एक्शन का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा आपको प्रपोज करेगा आपकी लाइफ में रिकनसिलेशन के लिए वापस आएगा अगर आप किसी के मैसेज टेक्स्ट कॉल का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो भी आ रही है कहीं ट्रैवल करने का सडनली प्लान बन सकता है या फिर बहुत टाइम से कोई प्लान डिले हो रहा था तो वो फिक्स हो सकता है वो फाइनल हो सकता है आप लोग बाहर अंदर घूम के जान घूमने जाने वाले हो हो सकता है आप में से तो कुछ लोगों की मैरिज हो जाए और आप लोग हनीमून पर आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करो तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर कुछ चीज़ें स्टक थी कुछ चीज़ें हिली नहीं रही थी अपनी जगह से कोई सिचुएशन स्टक थी कोई जॉब थी जो आपको मिल मिली नहीं रही थी आ, कुछ भी हो सकता है कोई लीगल मैटर था जो जो कि सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा था आ, कहीं पे भी आपकी लाइफ रुक सी गई थी थम सी गई थी आगे बढ़ी नहीं रही थी अब डेफिनेटली वो लाइफ आगे बढ़ेगी वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी अब आप लाइफ में स्टक नहीं रहेंगे रुके नहीं रहेंगे हैंगडअप नहीं रहेंगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे अगर आप आगे बढ़कर कोई कदम ले उठाना चाहते हैं कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ले पाएंगे और वहीं अगर आप किसी और के एक्शन का वेट कर रहे हैं स्टेप का वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कोई प्रोपोज करे इसका वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं एंड वन मोर कार्ड फॉर यू एंड दिस इज़ द एडवाइस कार्ड पास्ट लाइव ये एडवाइस कार्ड आपको ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं पास लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली उनसे उनका रिकनसिलेशन होगा एंड वो आगे आपके लिए स्टेप लेंगे एंड वहीं अगर कुछ लोगों को पास्ट लाइफ ट्रोमा परेशान कर रहे हैं तो उनको प्लीज हील कीजिए सो दैट आपकी आगे की लाइफ ब्यूटीफुल हो बिकॉज पिछले ट्रोमा परेशान करते रहेंगे तो आगे की लाइफ में हैप्पीली आप लोग कैसे जी पाओगे तो ये थी पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए रीडिंग आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी आपको पसंद आई होगी रेजोनेट की होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो वो रीडिंग्स पेड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं क्रिसमस पे सम डिस्काउंट है आप उनको भी आ, उनका भी फायदा उठा सकते हो डेफिनेटली बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर लव यू एवरी वन हैई फ्रेंड्स वेलकम है जिन्होंने ये पाइल फाइव चूज़ किया है लेटर अगर आपको पाइल वन टू थ्री भी चेक करने हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाओ या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसमें वन से लेकर सिक्स सभी पाइल्स हैं उनमें से कुछ चूज़ करना चाहो तो वो भी चूज़ कर सकते हो इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिसमस आपके लिए क्या ब्यूटीफुल ऑफर्स लेकर क्या गुड न्यूजेस लेकर क्या गिफ्ट्स लेकर सेंटा आपके लिए आ रहा है इस क्रिसमस पर ट्वेंटी सेवन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है नाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड लेटर लेटर इज एम्प्लाइंग कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कोई मैसेज कोई ईमेल कोई न्यूज uh, कोई ऑफर लेटर जिसका भी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको रिसीव होने वाला है एंड डेफिनेटली आप लाइफ में काफी हैप्पी होने वाले हो अगर आप किसी जॉब के ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आएगा किसी ईमेल का वेट कर रहे थे किसी लीगल मैटर के किसी ऑफिशियल लेटर का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आएगा किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे टेक्स्ट का वेट कर रहे थे प्रपोजल का वेट कर रहे थे कन्फेशन का वेट कर रहे थे तो वो जिस भी लाइक uh, मैसेज like, पे आपका फोकस है कि काश ये हो जाए काश ये हो जाए काश ये हो जाए एंड बहुत टाइम से आप एफर्ट लगा रहे हो डेफिनेटली वो मैसेज वो टेक्स्ट वो ई वो लेटर आप तक पहुँचने वाला है गुड न्यूज आपको मिलने वाली हैं जो आपके माइंड में है जिसके लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हो राइट एंड डेफिनेटली सेवन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अब मैं चेक करूंगी टारो क्या कहते हैं ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी एंड ये जनरल है तो जितनी रेजोनेट करे इसको रखें एंड लीव द रेस्ट स्टक ना हो किसी भी चीज़ पर जैसे रेजोनेट करे वैसे इसको रखें फर्स्ट कार्ड इज़ नाइन ऑफ कप्स कैंसर पाइसे स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो बहुत इमोशनल सेंसिटिव आप लोग हो सकते हो बहुत लविंग केयरिंग और पैम्परिंग आप लोग हो सकते हो योर नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल जामैन लिब्रा एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं एक तो आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो एक आपके लाइफ में फ्रेश बिगनिंग होने वाली है कोई आपको प्रपोज करने वाला है कोई आपके लिए रिस्क उठाने वाला है कोई आपके साथ इस जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है कोई मैरिज का प्रपोजल किस लोगों की मैरिज हो जाना नाइन ऑफ कप्स इज अगेन फॉर विश फुलफिलमेंट आपकी जो भी इच्छा थी जो काफ़ी टाइम से पूरी हो के नहीं दे रही थी बहुत सारे लोगों की मुझे मैरिज लग रही है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की मैरिज लग रही है कि कोई पर्सन आपके लिए स्टेप ले ही नहीं रहा था बट डेफिनेटली अब वो बिना किसी की रोक टोक सुने बिना किसी का इंटरफेयर सुने वो आपके लिए स्टेप लेने के लिए रेडी है ये पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए रेडी है ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए रेडी है ये पर्सन आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी है ये पर्सन आपके साथ जिंदगी में रिस्क लेने के लिए रेडी है ये पर्सन सारी चीज़ों को छोड़कर आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए रेडी है एंड इस पर्सन की डेफिनेटली आप विश फुलफिलमेंट हो और, और आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है अगर रिलेशनशिप के अलावा आपकी विश कोई और है जैसे कि कोई जॉब अचीव करना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना <coughs> विदेश में ट्रैवल करना फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाए जिन लोगों की विश होगी यहाँ पे मेन थिंग इज दिस कि आपकी काफ़ी टाइम से कौन सी विश है जौन सी विश है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते थे तो फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है अगर आप किसी हिल स्टेशन पर विजिट करना चाहते थे तो विजिट पॉसिबल है आप अगर सुकून से अपनी लाइफ जीना चाहते थे तो वो सुकून भी आपकी लाइफ में आ रहा है और वहीं अगर आप लोग मैरिज चाहते हैं तो मैरिज हो रही है जो भी आप लोग चाहते हैं फाइनली सेंटा आपको ले ये ऑफर भेज रहा है कि जाओ आपकी इच्छा पूरी की आ, जो आपके मन में है उसे एक्सेप्ट किया उसे पूरा किया उसे फुलफिल किया ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है आपके लिए जो आपने चाहा जो आपने मांगा जो आपने मैनिफेस्ट किया जिसके लिए आपने बहुत टाइम से एफर्ट लगाए फाइनली इस क्रिसमस पे सेंटा आपको वो देने वाले हैं जाओ आपकी इच्छा पूरी की आपको सब कुछ दिया ठीक है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं एंड ऑब्वियसली आगे की लाइफ में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन तो रहेंगे बट स्टिल आपकी कोई मेजर विश जिसके लिए बहुत टाइम से आप परेशान थे वो पूरी होने वाली है एंड देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या बताता है अंडरस्टैंडिंग ये आपके लिए एडवाइजिंग कार्ड है देखिए अगर आपका बिलीफ है अंडरस्टैंडिंग है अपने रिलेशनशिप पर अगर आपका बिलीव और अंडरस्टैंडिंग डिवाइन के साथ है अगर आप फेथफुल फेथफुल कह रही हूँ कंपैशनेट हो एनिमल्स और बर्ड्स के अगर आप आपको विश्वास है कि जो गया था फाइनली में वो डेफिनेटली लौट कर आएगा ठीक है तो वो डेफिनेटली होगा वो डेफिनेटली होगा लेकिन अगर आपके इंट्यूशन कहती है कि वो नहीं लौट कर आएगा और जस्ट आपका दिल उसको चाहता है और आप लगे पड़े हो कि वो आ जाए आ जाए आ जाए तो वो चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि हमारे इंट्यूशन हमें डायरेक्टली uh, बताती है कि वो पर्सन कैसा है या कैसी है ओके okay? तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली ये काम होगा रिकन्सलेशन uh, होगा मारेज होगी न्यू प्रपोजल आएंगे फोरन सेटलमेंट होगा Uh, कुछ लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे एंड बहुत जल्दी क्लियर कर जाएंगे कुछ लोगों को कैरियर से रिगार्डिंग नए प्रपोजल मिलेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है फॉर पर्सनल रीडिंग जहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो हज़ारों लोगों लाखों लोगों की बात ना हो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में uh, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं प्लान्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन uh, है जो सा प्लान आपको चाहिए वो मुझे बताएं बुक करवाएं एंड वहाँ बात होगी सिर्फ आपकी लाइफ की Uh, अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयर वेलकम पायल्सिक्स जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा बर्ड्स का कार्ड चूज किया है बर्ड्स बहुत ही क्यूट बर्ड्स हैं बहुत ही इनोसेंट बर्ड्स हैं एंड ये बर्ड्स यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि कोई होम कोई नया घर चाहता है कोई नई शुरुआत चाहता है कोई कोई लाइफ में आ, किसी का इंतजार कर रहा है किसी प्रपोजल का किसी पर्सन का कोई लेडी अपने बच्चे के साथ रिकन्सिलेशन का वेट कर रही है कि उसके हस्बैंड आए और रिकन्सिलेशन कर जाएं सेवन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्वेल्व ट्वेंटी वन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है थ्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड हम चेक करते हैं कि टारो का कहते हैं ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी रेस्ट ये रीडिंग जनरल है तो सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं है जो आपके लिए हैं उसी को रखें लीव द रेस्ट कुछ लोगों का घर का सपना हो सकता है बहुत जल्दी वो अपना खुद का घर खरीदेंगे कुछ लोगों का अच्छी फैमिली हैप्पी फैमिली का सपना हो सकता है बहुत जल्दी उनकी फैमिली टुगेदर होगी और वो हैप्पीली हैप्पीलीजॉय करेंगे योर कार्ड इज द वर्ल्ड रिकन्सिलेशन रिकन्सिलेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जो भी लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं और उन्होंने ये पाइल चूज किया है डेफिनेटली रिकन्सिलेशन आ रहा है पुराना साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है एंड ये उन्हीं लोगों का होगा जो बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं जो बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और जिनको पूरा पूरा भरोसा है कि ये चीज हो सकती है एंड ऑब्वियसली कार्ड भी यही बता रहे कि जिन लोगों ने पूरी मेहनत की है और फाइनली अपना टास्क ख़त्म कर दिया है उन लोगों को लाइफ में चाहे वो रिकन्सिलेशन हो चाहे वो जॉब हो कैरियर हो फॉरेन सेटलमेंट हो कोई अपना घर हो अपनी कार हो अपनी बाइक हो अपने व्हीकल्स हो, अपना रिजोर्ट हो अपना कैसल हो अपनी अपना एक यू you नो know, हाई फाई बंगला हो जो भी आपकी जो भी आपका ड्रीम है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है हो सकता है टोरस वर्गो कैपड़ी आपके जोड़िए हो, तो जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत मेहनत करी है दिन रात मेहनत करी है लगातार मेहनत करी है बिना सोचे समझे मेहनत की है Uh, जी जान से मेहनत की है डेफिनेटली उन चीज़ों में सक्सेसफुल आप लोग रहेंगे एंड ये ही क्रिसमस का आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है पुराना साइकिल मेहनत का ख़त्म होकर वो साइकिल स्टार्ट होगा जब आपको बहुत ही रिलैक्स रहेंगे और बिना मेहनत करे भर भर के गिफ्ट्स मिलेंगे जो आपने चाहा वो डेफिनेटली मिलेगा बहुत सारे लोगों का फोरन सेटलमेंट हो रहा है बहुत सारे लोगों को रिकनसिलेशन मिल रहा है बहुत सारे लोगों की एक फ्रेश न्यूज स्टार्ट हो रही है अगर कोई ओल्ड uh, साइकिल था जो आपके फेवर में नहीं था जो आपके लिए था ही नहीं लेकिन तब भी आप उनके पीछे भाग रहे थे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो आपकी थी ही नहीं और नई चीज़ों के पीछे आप लग जाएंगे और ऑब्वियसली वो बहुत बेटर होंगी आपके लिए वन मोर कार्ड इज हेयर एंड दैट इज इंटेंसिटी हो सकता है एयर इज आज आप लोगों इंटेंसिटी इज अगेन इम्प्लाइंग कि अगर आपको कोई शक कर रहा था अगर आपको कोई ड्रे, ड्रेन कर रहा था अगर आपकी कोई एनर्जी खींच रहा था चाहे कोई रिश्ता हो चाहे कोई कैरियर हो चाहे कुछ भी हो कोई जॉब आपको नहीं पसंद लेकिन तब भी आप लगे पड़े हैं उस जॉब में जाने में आने में बिकॉज आप नहीं छोड़ सकते कोई और जॉब नहीं मिली तो क्या होगा तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे कोई रिश्ता है जिस जिसमें आपको फील होता है कि शायद ये इंसान ही ठीक नहीं है बट स्टिल आप उस रिश्ते को निभाए चले जा रहे हो तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे जो चीज़ें आपकी द्र... एनर्जीज ड्रेन कर रही थी उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे अपनी लाइफ और अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट लाओगे फ्रेश रीस्टार्ट करोगे लाइफ को एंड फ्रेशली लाइफ में आगे बढ़ोगे नेम फेम पैसा कैरियर अच्छे रिलेशनशिप जो डिज़र्विंग हैं ऐसे नहीं कि जिनके पीछे आप भागते रहो और वो आगे भागते रहें वो रिलेशनशिप जो डिज़र्विंग है जो आपको सब कुछ देने को रेडी है जो आपने कुछ गलत लोगों से एक्सपेक्ट किया था राइट right? वो डेफिनेटली आपको मिलेगा लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं डेफिनेटली आपको आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वही ऐसा नहीं है कि सभी लोग नए रिश्ते या नई जॉब ढूंढेंगे डेफिनेटली अगर आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि ताकि आपकी तरक्की हो प्रमोशन हो तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है अगर आप किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट डाल रहे थे कि ये सौदा ये रिश्ता फ्रूटफुल हो जाए तो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा रिकनसिलेशन होगा एंड अगर कोई लोग बेबी प्लान कर रहे थे तो डेफ़िनेटली बेबी प्लान कर पाएंगे एंड बहुत जल्दी मदर फादर बन जाएंगे एंड अपनी फैमिली को कंप्लीट कर पाएंगे हैप्पी कर पाएंगे एंड आप लोग काफ़ी सारी होली बुक्स पढ़ने वाले हो काफ़ी देश विदेशों में घूमने वाले हो कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो नेम फेम पैसा कैरियर बनाने वाले हो कोई नया मॉडलिंग में जाने वाला है कोई नया फैशन डिजाइनिंग कोर्स में जाने वाला है आप लोग अपने टैलेंट को बाहर निकालने वाले हो जमाने को दिखाने वाले हो उसको यूज़ करने वाले हो ठीक है कुछ लोग टीचिंग में जाएंगे कुछ लोग हीलिंग में जाएंगे कुछ लोग मॉडलिंग में जाएंगे कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे बहुत सारे लोगों के प्लान्स हैं अलग अलग जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी लोग मैक्सिमम उन चीज़ों में जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है एंड जो चीजें आपको सक कर रही हैं आपको ड्रेन कर रही हैं वो आप अपनी लाइफ से उनको हटा पाओगे कॉन्फिडेंटली ठीक है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप रेजोनेट की होगी पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेयर रीडिंग्स टू जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है वहाँ जाइए चेक कीजिए प्लान्स में मेंशन है व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है अगर आपको ठीक लगता है तो आप डेफिनेटली बुक कराइए बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर मैरी क्रिसमस इन एडवांस लव यू